दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे कैमरे के बारे में सुना है जिसकी एक इमेज का साइज 3200 मेगापिक्सल है? तो देखते रहिए इस वीडियो को, क्योंकि आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित, आप देख रहे हैं टेकनंदन। लेट स्टार्ट। SLAC नेशनल एक्सेलरेटर लेबोरेटरी में डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के रिसर्चर्स ने LSST नाम का एक ऐसा कैमरा बनाया जिसकी एक इमेज का साइज 3200 मेगापिक्सल है। इस इमेज को फुल साइज में देखने के लिए आपको 378 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी स्क्रीन सेट की जरूरत पड़ेगी। यह रेजोल्यूशन इतना हाई है कि एक गोल्फ बॉल को 15 मील यानी कि 24 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। दोस्तों, अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये कैमरा काम कैसे करता है। दरअसल इतने हाई रेजोल्यूशन इमेज को कैप्चर करने के पीछे हाथ है इमेज सेंसर का। दोस्तों, हम सब जानते हैं एक डिजिटल कैमरे में एक इमेज सेंसर होता है जिसको CCD यानी कि चार्ज कपल डिवाइस कहते हैं, जिसकी मदद से इमेज कैप्चर होती है। लेकिन एक डिजिटल कैमरे में इस सेंसर का साइज 1.4 इंच का होता है, जो कि सिर्फ सिंगल पीस में लगा होता है। पर जब बात आती है इस 3200 मेगापिक्सल के कैमरे की, तब वहाँ पर एक नहीं बल्कि 189 इमेज सेंसर 2 फुट चौड़े फोकल प्लेन पर लगे होते हैं, जिसमें से एक सेंसर 16 मेगापिक्सल की इमेज प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, LSST कैमरे को चिली के रोविन ऑब्जर्वेटरी में इंस्टॉल किया जाएगा, जहाँ यह कंप्लीट सॉर्दर्न स्काई की पैनोरामिक इमेज को प्रोड्यूस करेगा। इसके जरिए डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और समय के साथ गैलेक्सीज कैसे डेवलप हुई, इस रिसर्च में हमारी मदद करेगा। दोस्तों, बस फिलहाल इतना इस वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आते तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।